ओके तो वीडियो के अंदर आप आ चुके हो, तो काफी लंबे समय का वेट करने के बाद यहाँ पे फाइनली Redmi 12 5G के अंदर आ चुका है हाइपर OS का अपडेट, जो कि मुझे भी रिसीव हो चुका है और मैंने भी अपडेट कर लिया है। और ये Redmi 12 5G के लिए अब तक का सबसे बड़ा अपडेट है, क्योंकि इस अपडेट का जो साइज है 4.4 GB का देखने को मिल जाता है और इसका जो वर्जन है हाइपर OS 1.0.1.0 देखने को मिल जाता है। जी हाँ, जो कि यहाँ पे MIUI 14 का नेक्स्ट अपडेट है, क्योंकि MIUI का नाम अब यहाँ पे Xiaomi हाइपर OS कर दिया गया है। वैसे ये सेम अपडेट अगर आप Poco M6 Pro स्मार्टफोन भी यूज करते होगे ना, तो उसमें भी ये अपडेट रिसीव हो चुका होगा, क्योंकि दोनों स्मार्टफोन सेम है। इसका नाम Poco M6 Pro है, उसका नाम Redmi 12 5G है। बस यही फर्क आपको देखने मिलता है, सेम वर्जन सेम यहाँ पे साइज के साथ, उसमें भी अपडेट रिसीव हो चुका होगा। लेकिन आज के लिए मैं बताने वाला हूँ इस अपडेट के अंदर आपको क्या कुछ चेंजेस देखने को मिल जाते हैं, क्या कुछ नए फीचर ऐड किए गए हैं, और इस अपडेट को करने के बाद स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस कैसी है, गेमिंग एक्सपीरियंस कैसा देखने को मिल जाता है, हीटिंग वाली कोई इशू तो नहीं है, चार्जिंग में टाइम कितना लगा रहा है, ओवरऑल ये अपडेट है कैसा, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए अपने फोन के अंदर, वो सब बताता हूं इस वीडियो के अंदर। तो इसीलिए मेक श्योर इस वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लेकर अंत तक वॉच कीजिएगा, और इस अपडेट वाली वीडियो पर प्यार आया तो हम अपडेट वाली वीडियो को कंटिन्यू करेंगे और बड़े बड़े अपडेट को कवर करते रहेंगे। तो भाई साहब कर देना लाइक, फटाफट से करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जैसे ही मैंने फोन को अपडेट किया था Xiaomi हाइपर OS के अंदर, तो मेरा फोन भंड हो चुका था। क्या बात करते हैं यार, मतलब कि फोन थोड़ा सा हैंग एंड लैग एंड जिटर कर रहा था। जी हां, क्योंकि ये MIUI से सीधा Xiaomi हाइपर OS पे आया एक बड़े अपडेट के अंदर। जी हां, क्योंकि एक इसके लिए एक नई दुनिया है, तो उसको मामला में सेट करने में 2-4 घंटे का टाइम लगता है। जैसे ही अपने फोन को अपडेट करोगे, 2-4 घंटे अपने फोन को चलाओगे ना, उसके बाद यहां पे लैग एंड जिटर नहीं देखने को मिलेंगे, शुरू में लैग एंड जिटर देखने को मिलेंगे। जी हां, क्योंकि मामला सेट होने में थोड़ा टाइम लगता है। आप भी कहीं बाहर जाते हो, दिल्ली या मुंबई कहीं भी बाहर जाते हो, 2-4 दिन आपको अजीब लगता है, उसके बाद मामला सेट होता है ना, तो इसी प्रकार से इस अपडेट के साथ भी है। तो ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी, तो घबराने का नहीं है। अब हम बात करते हैं कुछ फीचर्स की, इसमें क्या कुछ देखने को मिल जाते हैं और चार्जिंग टाइम सब कुछ बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं बता दूं, इसका जो कंट्रोल सेंटर है वो आपको नए वाला देखने को मिल जाता है। जैसे कि इसका वॉल्यूम पैनल आप देख सकते हो नीचे की साइड कर दिया गया है, ब्राइटनेस पैनल इस टाइप में कर दिया गया। साथ में इसमें अच्छी बात यह है कि आपके कंट्रोल सेंटर के अंदर यहाँ पे म्यूजिक कंट्रोल करने का ऑप्शन आ चुका है, यहीं से आप म्यूजिक को प्ले एंड पॉज कर सकते हो, जैसे कि आपने आईफोन के अंदर देखा था, वो चीज़ आपको देखने को मिल जाती है। साथ ही के अंदर यहाँ पे देखते हैं, ब्राइटनेस को स्लाइड करता हूँ तो क्या एनिमेशन आपको देखने को मिल जाते हैं, और साथ में वाईफाई प्रेस एंड होल्ड करता हूँ तो यहाँ पे आपके सेटिंग एप्लीकेशन ओपन नहीं होगी, फ्लोटिंग विंडो के अंदर एक पॉपअप आ जाएगा और यहीं से अपने वाईफाई पे दूसरे वाईफाई पे स्विच हो सकते हो, जो कि मेरे हिसाब से काफी सही है। बस इस कंट्रोल सेंटर के अंदर एक चीज आप नोटिस करोगे कि कंट्रोल सेंटर में अंदर आपको कोई भी सेटिंग पैनल आपको नहीं देखने मिलता, लेकिन ध्यान से नीचे देखोगे तो यहां पे आपको सेटिंग पैनल देखने मिलता था, उसकी जगह चेंज हो चुकी है। कंट्रोल सेंटर में जाके यहां पे आपको सेटिंग पे क्लिक करोगे ना, तब यहां पे आप सेटिंग एप्लीकेशन पे स्विच होगे। अब सेटिंग एप्लीकेशन पे स्विच हो चुके हो तो सेटिंग एंड एप्लीकेशन का जो इंटरफेस है थोड़ा सा चेंज हो चुका है। जैसे मैं बात करूं, इस अपडेट को करने के बाद कोई हीटिंग वाली प्रॉब्लम तो नहीं है, तो इस अपडेट को करने के बाद मैंने कंटिन्यू यहां पे 1 घंटे तक गेम प्ले किया, तो जो टेंपरेचर है 31 डिग्री से लेकर 32 डिग्री तक गया, तो यहां पे कोई भी ओवरहीटिंग वाली प्रॉब्लम आपको नहीं देखने मिलती है। तो आप इसका सीपीयू थ्रोटल रिजल्ट भी देख सकते हैं, आफ्टर अपडेट के बाद मैंने चेक किया था 30 मिनट तक, तो यहां पे देखते हैं ग्रीन ग्राफ में देखने को मिलता है, कोई भी हीटिंग वाली प्रॉब्लम नहीं देखने मिलती। और इस फोन के अंदर मैं जब गेमिंग कर रहा था आफ्टर अपडेट के बाद, तो यहां पे जो FPS है 30 FPS से लेकर 40 FPS तक गेमिंग करवा रहा था। जैसे पहले गेमिंग परफॉर्मेंस देखने मिलती है, वैसे ही मुझे गेमिंग परफॉर्मेंस यहां पे देखने को मिली आफ्टर अपडेट के करने के बाद, तो यहां पे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब बात करते हैं नेक्स्ट फीचर की, तो वो आपको देखने मिलता है सेटिंग के अंदर जाने के बाद, एडिशनली सेटिंग के अंदर, और यहां पे आपको मिलेगा एजिबिलिटी का ऑप्शन। एजिबिलिटी के ऑप्शन पे जाओगे तो यहां पे थर्ड नंबर पे आपको क्लिक करना है, तो यहां पे आप देखोगे बीम फॉर नोटिफिकेशन का एक अलग फीचर आ चुका है, जो कि मैंने हिडन फीचर वाले में भी आपको बताया था। हाँ, लेकिन इस फोन के अंदर भी ये देखने को मिल जाता है, जैसे आप कैमरा फ्लैश को ऑन करोगे तो जब भी कोई नोटिफिकेशन आएगी तो आपका कैमरा फ्लैश ब्लिंक करने लग जाएगा। लेकिन यहां पे स्क्रीन पे आप जैसे क्लिक करोगे तो यहां पे इसका कलर सेट कर सकते हो, जैसे कि आपको पर्पल करना है या रेड करना है। तो यहां पे देखते प्रीव्यू पे क्लिक करूंगा, जब भी कोई नोटिफिकेशन आएगी ना, उस टैप में जो आपका स्क्रीन है यहां पे आपको ब्लिंक करने लगेगी, पर्पल करोगे तो यहां पर्पल टैप में ब्लिंक होने लग जाएगी। तो कुछ इस टैप में ये देखने को मिल जाता है बीम फॉर नोटिफिकेशन वाला फीचर, मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगता है तो मैं इसको ऑफ करके ही रखता हूं, लेकिन हां ये चीज चेंज किया गया है। नेक्स्ट फीचर की बात करूं तो इस अपडेट को करने के बाद यहां पे साइड बार 3.0 आ चुका है। जी हां, जिसके लिए आपको जाना पड़ेगा एडिशनल सेटिंग में ही फ्लोटिंग विंडो के अंदर, और यहां पे मिलेगा साइड बार वाला फीचर, पहले भी था लेकिन अभी देखते हैं नेक्स्ट लेवल की चीजें इसमें देखने को मिलती है। जैसे ही मैं इसको ऑलवेज शो पे क्लिक करता हूं तो यहां पे देखते हैं साइड बार इनेबल हो चुका है, जैसे कि यहां पे मैं किसी एप्लीकेशन को ओपन करता हूं, एप्लीकेशन ओपन हो चुकी है और ऊपर एक 3 डॉट देखने को मिलेगा, इस पे क्लिक करके यहां पे 4 नए ऑप्शन ऐड हो चुके हैं। देखते हैं फुल वाले पे मैं क्लिक करूंगा फर्स्ट वाले पे, तो यहां पे फुल स्क्रीन में ऑटोमेटिक ये चला जाएगा, और मैं वापस इसको फ्लोटिंग विंडो में ओपन करता हूं और यहां पे देखते हैं सेकंड वाले पे क्लिक करता हूं तो ये ऊपर के
साइड में स्प्लिट स्क्रीन में ओपन हो चुका है जी हाँ। और एक चीज आपको और दिखाता हूं कि यहां पे देखते हैं स्प्लिट स्क्रीन में एक लाइन देखने को मिलेगी बीच में, यहां पे डबल टैप करके एप्लीकेशन को स्वैप कर सकता हूं जी हाँ। तो ये चीज आपको देखने को मिलती है। और वापस से इसको फ्लोटिंग विंडो में ओपन करोगे, थ्री डॉट पे क्लिक करोगे तो नीचे के साइड से आपको स्प्लिट स्क्रीन में इसको ओपन करवाना है तो वो आप कर सकते हैं, जो कि आपको पहले नहीं देखने को मिलती थी। लेकिन एक चीज मुझे पहले जैसे नहीं देखने को मिल रही, क्या यार वीडियो का प्यार पहले जैसा नहीं मिल रहा यार। वीडियो को अभी तक आप देख रहे हो लाइक नहीं कर रहे तो लाइक कर दो, ताकि हम अपडेट वाली कंटेंट वीडियो को कंटिन्यू कर सके। अगर आपका प्यार है तो कर देना यार भाइयों वाली बात। अब नेक्स्ट चीज की बात करें तो वो आपको देखने मिलता है जैसे इसको अबाउट फोन में जाओगे, अबाउट फोन का जो इंटरफेस इस टैप में कर दिया गया है, Xiaomi HyperOS यहां पे लिखा आएगा। इंटरफेस पूरा यहां पे चेंज हो चुका है, पहले यहां पे स्टोरेज टैप कुछ था ना, वो सब कुछ यहां पे चेंज हो चुका है। और ये जो अपडेट है एंड्रॉइड 14 बेस अपडेट है, तो यहां पे आप देखते हैं जैसे मैं 7 से 8 बार अटैक करूंगा तो यहां पे एंड्रॉइड 14 का इंटरफेस मिलेगा। और एंड्रॉइड 14 पे आप प्रेस एंड होल्ड करोगे तो यहां पे एक गेम आपको देखने को मिल जाता है जी हां। आपको करना है होल्ड और यहां पे एक गेम स्टार्ट हो जाएगा, जो कि एंड्रॉइड 13 में आपको नहीं देखने को मिलता था, लेकिन इस चीज में आपको देखने को मिल जाता है। तो ये चीज यहां पे इंप्लीमेंट की गई है। नेक्स्ट चीज की बात करूं तो वो आपको देखने मिलेगा सेटिंग पैनल के अंदर, होम स्क्रीन के अंदर जी हाँ। पहले सिस्टम नेविगेशन का ऑप्शन ऊपर के साइड हुआ करता था, अब यहाँ पे नीचे के साइड कर दिया गया है। और सिस्टम नेविगेशन के नीचे आप देखोगे अरेंज आइटम डिसेंट के अंदर शो मेमोरी स्टेटस का ऑप्शन यहाँ पे ऐड कर दिया गया, पहले ये बाहर था। तो ये छोटा सा चेंज किया गया है, लेकिन जो मेन चेंज किया गया है वो आपको देखने को मिलता है इस फोन के लॉक स्क्रीन के अंदर जी हाँ। यहाँ पे आपको हिडन चीजें देखने को मिल जाती हैं। अपने लॉक स्क्रीन पे आप प्रेस एंड होल्ड करोगे तो यहाँ पे लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशन का फीचर आपको देखने को मिल जाता है जी हाँ। जैसे मैं क्लिक करता हूं तो यहाँ पे देखते हैं काफी सारे यहाँ पे वॉलपेपर आ चुके हैं, जिसे स्लाइड करूंगा और ये यहाँ पे इसको फुल कस्टमाइज कर सकते हो। जैसे कि वॉलपेपर में कस्टमाइज पे क्लिक करता हूँ ना तो कस्टमाइज आ जाएगा। फिल्टर ऐड करना है तो भाई से फिल्टर ऐड कर सकता हूँ। मेट इफेक्ट यहाँ पे देखने को मिल जाता है, वॉलपेपर में मेट इफेक्ट लगा सकता हूँ। और यहाँ पे देखते हैं मैं क्लॉक पे क्लिक करता हूँ और क्लॉक पे क्लिक करके इसके कलर को चेंज कर सकता हूँ, ये चीज भी देखने को मिल जाती है, कई लोगों को पता ही नहीं है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉन्ट को भी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, जो भी यहाँ पे क्लॉक का आपको स्टाइल चाहिए वो भी आप कर सकते हैं। कई लोग यहाँ पे कस्टमाइज तो कर रहे हैं, लेकिन हर एक चीज पे आप क्लिक करके हर एक चीज को कस्टमाइज भी कर सकते हो, जो कि मेरे हिसाब से काफी सही चीज है। लेकिन हाँ, इसके अंदर डेप्थ इफेक्ट का फीचर नहीं देखने मिलता, जो कि थोड़े महंगे डिवाइस में मिल रहे हैं ना, तो वो चीज यहाँ पे नहीं देखने मिलती। हाँ, बट ये चीज आपको जरूर से जरूर इसमें चेंज किया गया है। और नेक्स्ट चीज की बात करूं तो अपने सेटिंग पैनल के अंदर जाओगे तो यहाँ पे वॉलपेपर सेक्शन के अंदर जाओगे ना, तो यहाँ पे देखते हैं इसका यूआई कुछ इस टाइप में यहाँ पे कर दिया गया है जी हाँ। तो पहले ये सारे चीजें अलग टाइप में देखने को मिलती थी, लेकिन अब यहाँ पे इस टाइप में कर दिया गया है, तो मेरे ख्याल से ये इंप्लीमेंट भी काफी सही है। और यहाँ पे बैटरी वाले सेक्शन में जाओगे तो इसका भी यूआई कंप्लीटली यहाँ पे पूरा चेंज हो चुका है। यहाँ पे फीचर तो ऐड नहीं हुआ, लेकिन इसका यूआई पूरा चेंज हो चुका है। और इस अपडेट को करने के बाद स्मार्टफोन की चार्जिंग टाइम की बात करूँ तो अपडेट करने के बाद मैंने अपने फोन को चार्ज किया तो इसने फुल चार्ज होने में ऑलमोस्ट 1 घंटे 57 मिनट के आसपास ले लिया। तो चार्जिंग टाइम में यहाँ पे कोई भी फर्क नहीं पड़ा, मैंने सोचा बड़ा अपडेट आया था तो करके देख लेते हैं कोई यहाँ पे टाइम में इंप्रूवमेंट मिला है कि नहीं मिला। तो उतना ही टाइम लगाता है, कभी 5 मिनट पहले कर देगा, कभी ज्यादा कर लेता है, वो आपके रूम के टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है जी हाँ। और नेक्स्ट फीचर की बात करूँ तो वो आपको कोई फीचर नहीं देखने मिलता। हाँ, एक चेंज आपको देखने मिलता है, जब भी अपने फोन को स्विच ऑफ करके ऑन करोगे या रिस्टार्ट करोगे ना तो उसका बूट एनिमेशन देखते हैं कुछ इस टाइप में आपको देखने मिलेगा, पावर्ड बाय Xiaomi HyperOS यहाँ पे देखने मिलेगा। पहले MIUI का लोगो देखने मिलता था ना, लेकिन अब यहाँ पे इसको रिप्लेस कर दिया गया, तो ये भी आपको चेंज देखने मिलेगा। और यहाँ पे किसी भी ऐप को ओपन करते हैं, क्लोज करते हैं, कोई भी ऐसा लैग एंड जिटर नहीं देखने मिलता। हाँ, मैंने बताया ना जब अपडेट को करते हैं तो वहाँ पे लैग एंड जिटर देखने मिलते हैं शुरू के अंदर, लेकिन उसके बाद मामला सेट हो जाता है, तो उसके बाद कोई ऐसा मुझे कोई ज्यादा कुछ लैग एंड फ्रेम ड्रॉप नहीं मिले। और एक चीज इस अपडेट को करने के बाद मुझे काफी कमाल की चीज मिली, जिसके लिए आपको जाना पड़ेगा सेटिंग के अंदर, नोटिफिकेशन स्टेटस बार के अंदर जाओगे तो यहाँ पे आपको देखने मिलेगा नंबर ऑफ नोटिफिकेशन आइकन ऑन जी हाँ। अब यहाँ पे आप देखते हैं एक पे क्लिक कर दोगे तो जब भी कोई नोटिफिकेशन आएगी तो एक नोटिफिकेशन का लोगो आपको शो होगा, उसके आगे 3 डॉट आपको शो होगा। लेकिन अगर यहाँ पे आप 3 पे क्लिक कर देते तो यहाँ पे कोई भी 3 नोटिफिकेशन आएगी तो उसके लोगो देखने मिलेंगे, उसके बाद आपको 3 डॉट देखने मिलेगा। तो अपने मन मुताबिक उसको आप रख सकते हो, और नन पे क्लिक करोगे तो कोई भी नोटिफिकेशन आएगा, कोई भी लोगो शो नहीं होगा, तो नन पे तो मत ही रखना, मैं तो 3 पे मैक्सिमम पूरा फुल होना चाहिए। तो ये चीज आपको देखने को मिल जाती है, तो यहाँ पे ये चेंज कर दिया गया। और नेक्स्ट चेंज की बात को तो वो कुछ आपको हिडन फीचर देखने को मिल जाते हैं, जिसके लिए आपको प्ले स्टोर से एक्टिविटी लॉन्चर को डाउनलोड करना पड़ेगा। जैसे ही एक्टिविटी लॉन्चर को डाउनलोड करके ओपन कर लोगे, जो कि हिडन फीचर फाइंड करने के काम आती है, तो ऊपर के साइड यहाँ पे सर्च बटन देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक करके आपको सर्च करना है फ्रंट FRONT। जैसे ही आप सर्च करोगे तो यहाँ पे देखते हैं फ्रंट कैमरा एक असिस्ट का ऑप्शन देखने को मिलेगा जी हाँ, जो कि हिडन फीचर, जो कि हिडन करके रखा हुआ है, लेकिन हाँ
इसे यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। तो यहाँ पे देखने को मिलेगा फिल लाइट ब्राइटनेस, तो ये कुछ इस टाइप में देखने को मिलता है, तो जो कि मेरे में वर्क नहीं कर रहा, लेकिन ये आपको इसके अंदर ऐड देखने को मिलता है हिडन के अंदर, तो मैंने सोचा आपको बता दिया जाए, तो इसके अंदर ये आप चेकआउट कर सकते हो। और साथ में स्मार्टफोन के अंदर तो स्कोर की बात की जाए आफ्टर अपडेट के बाद, जी हाँ, अपडेट से पहले जो उसका अंतु स्कोर था मेरा 4,27,000 के आसपास निकल के आया था, लेकिन अपडेट को करने के बाद यहाँ पे मेरा जो अंतु स्कोर निकल के आया है 4,29,000 के आसपास। और साथ में स्मार्टफोन की गीक बेंच स्कोर की बात की जाए आफ्टर अपडेट के बाद सिंगल कोर और मल्टी कोर स्कोर, तो अपडेट से पहले का इसका स्कोर देख सकते हैं सिंगल कोर और मल्टी स्कोर, और आफ्टर अपडेट के बाद यहाँ पे सिंगल कोर और मल्टी कोर स्कोर आप देख सकते हैं। साथ में एक चीज आप और पूछोगे आफ्टर अपडेट के बाद इसकी कैमरा क्वालिटी डाउन तो नहीं हुई, तो इसके कैमरा सैंपल आप देख सकते हैं, मेरे को यहाँ पे कुछ ज्यादा इंप्रूवमेंट भी फेस नहीं हुई और ज्यादा यहाँ पे डाउनग्रेड भी यहाँ पे कुछ नहीं किया गया। कई कंपनी करती है ना अपडेट के बाद कैमरा क्वालिटी डाउन कर देती है, तो मुझे वैसा फील नहीं हुआ, क्योंकि अभी रेडमी 13 5G लॉन्च नहीं हुआ ना, शायद 13 5G जब लॉन्च होगा ना तब इसको अपडेट के थ्रू इसकी कैमरा क्वालिटी को डाउन की जाए, लेकिन अभी ऐसा कोई फेस नहीं हुआ मुझे, ना ही कुछ कैमरा में इंप्रूव किया गया है ना ही कुछ यहाँ पे डाउन भी किया गया, तो देख सकते हैं कुछ कैमरा सैंपल इस टाइप में निकल के आए हैं। बस लास्ट में आपको यही कहना चाहूंगा इस अपडेट में मुझे कुछ यही फीचर मिले थे जो मैंने आपको बता दिए, और इस अपडेट को करना चाहते हो डेफिनेटली आप कर सकते हो। अगर इस अपडेट को करने के बाद आपको कुछ प्रॉब्लम फेस होती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, ताकि मुझे भी पता लगे यूजर को क्या क्या प्रॉब्लम फेस हो रही है, ताकि नेक्स्ट अपडेट के अंदर फीडबैक जाए और उसको फिक्स किया जाए, तो वो बता देना मुझे कमेंट सेक्शन में। ये था 4.4 GB का हाइपर ओएस का अपडेट। आई होप आज की वीडियो पसंद आई, पसंद आए तो लाइक कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।